नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्वदेशी हेल्थ में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिस्ट्रक्टिव डिजीज अर्थात मारक रोग जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस और यहां तक कि कैंसर जैसे रोग क्यों आते हैं तथा उनसे कैसे बच सकते हैं। इन मारक रोगों को जानने से पहले हम यह जानते हैं कि रोगों के अलग अलग कितने स्तर होते हैं। पहला स्तर है सर्दी, जुखाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़े, फुंसी एवं दर्द, जिसे तीव्र रोग अर्थात एक्यूट डिजीज कहते हैं। ये तीव्र रोग हमारे शरीर में तेजी से आते हैं और चले जाते हैं। किंतु यह तीव्र रोग आते क्यों हैं? यह समझना है। रोगों के कारण वाले वीडियो में हमने बताया था कि शरीर हमारे अंदर जमे मैल को चार रास्तों से बाहर निकालता है। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। जब शरीर इन चार रास्तों से शरीर में जमी गंदगी को नहीं निकाल पाता तो वह पांचवा रास्ता भी खोल देता है, जिसे तीव्र रोग कहते हैं। यह तीव्र रोग हमारे शरीर में हमारी सफाई के लिए आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम मनुष्य कुछ गलतियां करते हैं जिससे तीव्र रोग अर्थात एक्यूट डिजीज द्वारा हमारे शरीर की सफाई नहीं हो पाती और हमें दूसरे स्तर के रोग जिन्हें मंद रोग अर्थात क्रोनिक डिजीज कहते हैं वह हो जाता है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, थायराइड, बवासीर, मोटापा, चमड़ी रोग, कब्ज और जोड़ों के दर्द। और फिर 10-15 साल तक इन मंद रोगों को अंदर ही अंदर दबाने से तीसरी अवस्था के रोग अर्थात मारक रोग यानी डिस्ट्रक्टिव डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस और कैंसर भी। इस तरह से हमें समझ में आ गया कि अगर तीव्र रोगों द्वारा शरीर की सफाई हो जाए तो तीसरी अवस्था के रोग नहीं आएंगे। मनुष्य कुछ गलतियां करता है जिससे तीव्र रोगों द्वारा शरीर सफाई अभियान हमारे शरीर में रुक जाता है। अब हम उन गलतियों को देखेंगे जिससे न करने से हम मारक रोगों से बच सकते हैं। पहली गलती है तीव्र रोगों की तरफ ध्यान न देना और अपने दैनिक कार्य में लगे रहना। हम क्या करते हैं, बुखार, सर्दी, जुखाम की अवस्था में एक दो टैबलेट लेकर जॉब पर चले जाते हैं और शरीर को आराम नहीं देते। सोचिए, जब हमारे घरों में लाइट चली जाती है तथा इन्वर्टर से काम चलाना होता है तो हम क्या करते हैं? हम केवल पंखे, ट्यूबलाइट को ही चलाते हैं, न कि टीवी, फ्रिज, सब कुछ चलाते हैं। उसी तरह तीव्र रोग की अवस्था में हमारे शरीर को आराम की आवश्यकता होती है। हमारे अंदर के जीवनी शक्ति को अंदर की विशेष सफाई में लगा दिया जाता है और हमारी टांगों, बाहों में कमजोरी महसूस होती है। इस अवस्था में अगर अधिक परिश्रम वाला काम न किया जाए और यथासंभव विश्राम किया जाए तो केवल 2-3 दिन के अंदर की शरीर की सफाई हो जाती है और हाथ पैर आदि की शक्ति वापस लौट आती है। दूसरी गलती, तीव्र रोगों की अवस्था में भोजन लेना। तीव्र रोग जैसे सर्दी, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार की अवस्था में प्रकृति द्वारा व्यक्ति की भूख को मार दिया जाता है। प्रकृति कोई भी रोग बिना चेतावनी दिए नहीं भेजती। आमतौर पर हार्ट अटैक होने के कुछ वर्षों पूर्व एंजाइना पेन के रूप में चेतावनी दी जाती है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है, वह उसको समझे या न समझे और संभले या न संभले। तीव्र रोग की अवस्था में प्रकृति द्वारा व्यक्ति के मुंह से स्वाद को भी बदल दिया जाता है। हर पदार्थ का स्वाद बदला बदला लगता है, पानी भी कड़वा लगता है, अर्थात पानी भी ठीक से शरीर में पचता नहीं तो भोजन कहां से पचेगा। जब हमें घर वाले कहते हैं या मानते हैं कि भोजन में शक्ति होती है और हम भोजन ले तो वही प्राण शक्ति जो विशेष सफाई के लिए अंदर लगी हुई थी वो भोजन को हजम करने में लग जाती है, जिससे विशेष सफाई के काम में रुकावट आ जाती है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए सभी जीव जंतु हैं। मानव के अलावा जीव के लिए भी अस्पताल, दवाइयां, प्रयोगशालाएं या जांच केंद्र नहीं है। मानव के अलावा सभी जीव जंतु स्वस्थ है। क्या विचारणीय विषय नहीं है कि मानव के लिए यह सब कुछ होते हुए भी रोग रहता है? ऐसा क्यों? जिन लोगों ने अपने घर में गाय, भैंस, कुत्ता या बिल्ली पाली है उनको यह अच्छी तरह पता है कि अगर गाय को बुखार हो जाए या चोट लग जाए तो बढ़िया हरी घास भी नहीं खाती। अर्थात पशु पक्षियों को भी अंत प्रवृत्ति में महसूस हो जाता है कि ऐसी अवस्था में उनकी पूरी प्राण शक्ति अंदर की सफाई में लगा दी गई है, पर उस समय भोजन करने से वो प्राण शक्ति उस भोजन को पचाने में लग जाती है, जिससे चोट या बुखार को ठीक होने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। प्रकृति के इस निर्देश को भूलकर मानव रोग की अवस्था में भी हमेशा की तरह भोजन करता रहता है। तीसरी गलती, दवाई लेना। जब कभी व्यक्ति रात में किसी
पार्टी में जाता है तो वहाँ सभी तरह के व्यंजनों को चक चक कर भूख से ज्यादा खा लेता है। इस तरह भोजन भली भांति पचता नहीं, परिणाम स्वरूप प्राण शक्ति उस गंदगी को अगली सुबह दस्त के रूप में बाहर निकालने का प्रयास करती है। उसी समय व्यक्ति डॉक्टर के पास जाकर कहता है, रात को पार्टी में उल्टा सीधा खा लिया जिससे दस्त लग गए हैं, अब दस्त बंद करने की दवाई दे दीजिए। इस तरह वह गंदगी को रोकने की दवाई मांगता है, परिणाम स्वरूप वही गंदगी कब्ज के रूप में शरीर में जमा हो जाती है और आगे चलकर बवासीर का रूप ले लेती है। जुखाम की अवस्था में प्रकृति हमारे चारों रास्तों के अलावा पांचवा रास्ता अपनाती है, बलगम को नाक के द्वारा निकाला जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि सर्दी जुखाम गला खराब बुखार या फिर मम्स फोड़े फुंसी आदि तीव्र रोग बच्चों को अधिक होते हैं। बच्चे का शरीर निर्मल होता है, जैसे सफेद कपड़े पर गंदगी जल्दी दिखाई देती है, इसकी अपेक्षा रंगदार कपड़े पर गंदगी होने पर भी कम दिखाई देती है। ठीक ऐसे ही बच्चे का शरीर निर्मल होने के कारण उसको तुरंत कोई न कोई तीव्र रोग आ जाता है। इसीलिए पुराने समय में या गांवों में आज भी बच्चों की नाक अधिक बहती है, इसकी अपेक्षा शहरों में हम सब पढ़े लिखे और समझदार से हैं, डॉक्टर के पास जाकर फीस देने की जरूरत नहीं समझते, घर में ही कोई न कोई जुखाम की पीने वाली दवा एक चम्मच बच्चे को पिला देते हैं और बच्चे की नाक बहनी बंद हो जाती है। क्या पहले के दिनों में हमारे बुजुर्गों को बच्चों का पालन पोषण नहीं करने आता था क्या? ऐसा नहीं, जब हम जुखाम के द्वारा जो मल निकलना था उस गंदगी को कोई दवाई देकर अंदर ही दबा देते हैं तो वह गंदगी आगे चलकर मंद रोग या मारक रोग अर्थात खांसी दमा टीवी या कैंसर का रूप धारण कर लेती है। अगर जुखाम के समय जुखाम की दस्त के समय दस्त की और बुखार के समय बुखार की दवाई न खाई जाए तो कैंसर जैसा मारक रोग हो ही नहीं सकता। इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए आप इस चैनल स्वदेशी हेल्थ को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। नमस्ते।